नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। थाना अलीगंज में जिले के एसएसपी और अपर जिला अधिकारी ने किया महिला डेस्क का औपचारिक रूप से शुभारंभ। वहीं एसएसपी और अपर जिला अधिकारी ने छात्राओं और महिलाओं को पढ़ाया पाठ। प्रदेश भर में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद एटा के थाना अलीगंज में महिला डेस्क की औपचारिक रूप से एसएसपी सुनील कुमार सिंह और अपर जिला अधिकारी केशव कुमार ने डॉक्टर शैलजा के साथ फीता काटकर संयुक्त रूप से की। वहीं इस दौरान जिले के पुलिस मुखिया सुनील कुमार सिंह द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों की छात्राओं तथा अध्यापिकाओं को बेटियों को उनकी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने सम्मान, सुरक्षा के अधिकारों के प्रति जागरूक हों तथा महिला सशक्तिकरण की धारणा सही रूप से साकार हो सके। वहीं अपर जिलाधिकारी ने छात्राओं के संवाद करते हुए कहा, उन्हें अभद्रता व छींटा करने वाले लोगों से डरने की जरूरत नहीं है और कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर महिलाओं की सुरक्षा आदि के लिए सरकार द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर संचालित हैं। महिला संबंधी नंबरों के बारे में बताया, जिसमें 1090 विमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा व 1800 चिकित्सीय हेल्पलाइन है। इन नंबरों को डायल कर तत्काल अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। पुलिस हर समय उनके साथ है व हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर है, जिसके संबंध में हर थाने पर महिला हेल्प डेस्क भी पूर्व से स्थापित है, जहां महिला अधिकारी द्वारा उसकी समस्याओं को सुना जाएगा तथा साथ ही उनका तत्वीकरण निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं व बेटियां निडर व सजग होकर समाज में फैल रही बुराइयों का मुकाबला करें। इसके साथ ही मिशन अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रभारी निरीक्षक द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड टीम उपस्थित छात्राओं और महिलाओं शक्ति को उपकरण दिया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों का भी सॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर एसएसपी सुनील कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी केशव कुमार, उप जिलाधिकारी राजीव पांडे, एलआईयू इंस्पेक्टर अजय त्रिपाठी, सीओ अजय कुमार, प्रभारी निरीक्षक अलीगंज पंकज मिश्रा, कस्बा इंचार्ज संजय कुमार, दीप कुमार, जुनेद मियां, विधायक पुत्र सूरज राठौर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। सरकार द्वारा जो दो नवरात्रों के बीच 180 दिन का कार्यक्रम है, काफी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और सामाजिक लोग इस कार्यक्रम को बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको और क्या कहना है, और ज्यादा सफलता कैसे मिल सकती है? इसमें प्रदेश के जितने थाने हैं, 1555 थाने हैं, सभी थानों में आज महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा साइन किया गया है और यह अपेक्षित किया गया था कि बाकी सभी जनपदों में, चिन्हित 18 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और अन्य सभी जनपदों में किसी एक थाने में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में और अन्य थानों में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन होना था। इसी क्रम में आज कप्तान साहब के निर्देशन में, उनके तत्वावधान में अलीगंज थाने को चुना गया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम यहां हो। दूरस्थ थाना है, इसलिए जानबूझ करके यहां रखा गया कार्यक्रम कि थोड़े से मुख्यालय के थाने में कई कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं तो दूरस्थ थानों में भी कार्यक्रम आयोजित हों भव्य तरीके से, और कार्यक्रम यहां वाकई भव्य था। कप्तान साहब ने स्वयं इस अभियान की पूरी महत्ता बताई और हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को पूरा सुना, जैसा कि उनकी अपेक्षा भी थी कि सभी लोग इसको पूरा सुने और इस कार्यक्रम के महत्व को जाने। केवल सिम्बॉलिक नहीं है, सड़क पर भी इसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए और जो दिखना शुरू भी हो गया है।